हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर सिक्सटीन क्लास सेवेंथ की ये वर्कशीट है विषय है हिंदी और ये वर्कशीट शिक्षा निदेशालय की ओर से आप बच्चों के लिए नाइनटीन्थ नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए शेड्यूल की गई है और आज की वर्कशीट में बेटा हम चैप्टर हमारा कंटिन्यू करेंगे पापा खो गए ये नाटक है ठीक है और आपको आज जो संवाद दिया गया है उसको पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं सो नाउ लेट स्टार्ट कौआ हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं तो लास्ट बक्षिट तक बेटा हमने पढ़ा कि वहाँ पर जो किडनैपर था वो बोल रहा था कि मैं जो है कुछ खाने के लिए अपना जुगाड़ करके आता हूँ इस तरह से बोलते हुए वो बच्ची को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है अब उसे आगे का सीन यहाँ पर दिखाया गया है फिर कौआ कहता है कि हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा से इसको मिलवा सकते हैं सभी उठकर कैसे तो सभी एक साथ बोलते हैं कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं कौआ कहता है आसान है सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर तो कौआ कहता है कि जब सुबह हो जाएगी तो पेड़ जो है वो पेड़ को कहता है कि आप अपनी घनी छाया इसके ऊपर करते रहना और वह आराम से देर तक सोती रहेगी और खम्बे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए तो कौआ जो है सबको सलाह देता है कि अगर हम कुछ करें तो इसको इसके पापा से मिलवा देंगे पेड़ को छाया करनी है और खंबे को क्या करना है खंबे को थोड़ा सा टेढ़ा होकर खड़ा रहना है खंबा कहता है कि इससे क्या होगा कि अगर मैं टेढ़ा होकर खड़ा रहूंगा तो इससे क्या है, जो है न, क्या होगा कौआ कहता है कि पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया है यानी आपने देखा है बेटा कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो जो पोल है अगर उसके साथ एक्सीडेंट होता है तो वो ऐसे टेढ़ा हो जाता है तो यहाँ पर भी कौवा यही बात कहता है कि अगर जो है खम्बा टेढ़ा खड़ा रहेगा तो पुलिस को लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया है और वो यहाँ पर आ जाएगी और हमारी इस छोटी सी सहेली को देख लेगी यानी वो छोटी जो बच्ची है उसको कौवा सहेली कह रहा है कि हमारे छोटा जो फ्रेंड है उसको देख लेगी वो लगी लगाएगी इसके घर का पता फिर पुलिस जो है वो इसके घर का पता लगाएगी पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है तो जो है पुलिस जो है क्या करती है सबके घर का पता मालूम करती है खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है नेक्स्ट देखिए खंबा खम्बा रहूंगा मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा पर मान लो पुलिस नहीं आई तो फिर यहाँ पर खम्बा कहता है कि मैं तो आड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा लेकिन अगर पुलिस नहीं आई तो क्या करेंगे तो कौवा कहता है कि मैं बार बार यहाँ जोर जोर से काव काव करता रहूंगा लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा उनकी चीज़ें अपनी चोट से उठा उठा कर लाता जाऊंगा ठीक है तो कौआ जो है यहाँ पर कहता है कि अगर पुलिस नहीं आई तो मैं ज़ोर ज़ोर से जो है चिल्लाता रहूंगा इससे लोग मेरी तरफ देखेंगे और उनकी जो चीजें हैं मैं उनको उठाकर इस लड़की के पास डालता रहूंगा जिससे कि लोग इसको देख लेंगे अब देखो बच्चों इसी संवाद के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं तो पहला प्रश्न है यहाँ सभी मिलकर क्या करने का प्रयास कर रहे हैं तो सभी मिलकर यहाँ पर क्या करने का प्रयास कर रहे हैं जो बच्ची है जिस लड़की को किडनैपर उठाकर लाया है उसको सभी उसके घर भेजने का लिए जो है क्या बना रहे हैं तरकीबें बना रहे हैं तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे यहां सभी मिलकर लड़की को उसके घर पहुंचाने की तरकीब बना रहे हैं ठीक है तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट प्रश्न का नेक्स्ट देखिए दूसरा प्रश्न है कौआ पेड़ से क्या करने के लिए कहता है तो आपने समाध में पढ़ा कौआ उसको कहता है कि तुम घनी घनी छाया करके रखना तो आइए बेटा लिखते हैं इसका आंसर कौवा पेड़ से कहता है कि वह अपनी घनी घनी छाया लड़की पर किए रहे ताकि वह आराम से सोती रहे नेक्स्ट देखिए प्रश्न तीन है कौआ खंभे से क्या करने के लिए कहता है तो हमने पढ़ा कौआ उसको टेढ़ा होकर खड़ा होने के लिए कहता है तो बेटा ये आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर तीन का उत्तर कौआ खं को कहता है कि वह जरा टेढ़ा होकर खड़ा रहे ताकि पुलिस को लगे कि एक्सीडेंट हो गया है प्रश्न चार है खंबे द्वारा पूछे गए प्रश्न की इससे क्या होगा इसका कौवा क्या उत्तर देता है तो खंबे ने पूछा था कि जो है अगर मैं टेढ़ा होकर खड़ा रहूंगा तो इससे क्या होगा ठीक है जब खम्बा पूछता है कि इससे क्या होगा तो कौआ कहता है कि इससे ऐसा लगेगा कि मानो एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस यहाँ आ जाएगी नेक्स्ट प्रश्न करते हैं प्रश्न पांच है यदि पुलिस नहीं आई तो कौआ क्या करेगा तो यहाँ पर अगर पुलिस नहीं आती है तो कौवा क्या कहता है कि वो जो है कांव काव करता रहेगा और लोगों की चीजें उठाकर लाता रहेगा तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर तो यहाँ पर यदि पुलिस नहीं आई तो कौआ जोर जोर से कांव करता रहेगा और लोगों की चीजें अपनी चो से उठा, उठा कर लाता रहेगा तो ये बच्चों आप आंसर लिखेंगे प्रश्न पांच का नेक्स्ट है बेटा गतिविधि है आपके लिए अगर कोई बच्चा अपनों से बिछड़ कर अपना घर और माता पिता को ढूंढ रहा हो तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे अपने मित्रों के साथ इसकी आपको चर्चा करनी है तो बेटा आप जो है इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि कैसे कोई बच्चा अगर अपने माता पिता से बिछुड़ कर इधर उधर घूम रहा है तो हम पहले क्या करेंगे हम पहले उसके उससे उसके मम्मी पापा का नाम पूछेंगे उससे उसका पता पूछेंगे कि वो कहाँ पर रहता है ठीक है अगर कहीं आसपास रहता है तो हम उसको उसके घर छोड़कर आ सकते हैं और अगर उसको नहीं पता है तो हम उसको फिर पुलिस स्टेशन जो है वहां पर लेकर जाएंगे और पुलिस उसकी मदद करेगी तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अ नाइस डे